असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश देने जा रही हूँ। आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। पिज़्ज़ा हम आज बना रहे हैं, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाएंगे हम चीज़ और चीज़ के साथ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। अब हम डो पहले बना लेते हैं पिज़्ज़े के लिए, जिन अज़ा की ज़रूरत है पहले हम डो बना के रखेंगे, फिर हम चिकन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो बताऊँगी। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, इसको मैंने छान लिया है। 2 कप मैदा लिया है, 1/2 जग दूध का लिया है मैंने, 1/2 कप, 1/2 जग दूध के ना 1 कप दूध का हो गया है। और नीडो लिया है, 2 टीस्पून नीडो का लिया है मैंने, खुश्क दूध होता है। 1 टीस्पून ईस्ट लिया है मैंने। मक्खन लिया है मैंने, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है मक्खन को, ये भी 2 टीस्पून के करीब मक्खन है। 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून आइस शुगर लिए मैंने। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये आज पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। नीम गरम दूध लिए अब मैदा हम डो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, मैदा मैंने 2 कप लिया है, ईस्ट 1 टीस्पून, खुश्क दूध, आइस शुगर, नमक, इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मक्खन डाल देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने। हमने मक्खन को भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अंदर हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करते जाएंगे और आटे को स्मूथ करेंगे, दूध तैयार करेंगे। आटा इस तरह होना चाहिए कि आटे को हमने अब अच्छे तरीके के साथ इसके डो को हमने गूंदना है अच्छे तरीके के साथ। 5 से 10 मिनट तक हमने, ये देखें हाथ पे जब चिकन, जैसे ही डो अच्छे तरीके के साथ गूंद जाएगी तो हमारा आटा चिपकना बंद हो जाएगा। देखिए डो को हमने इस तरह गूंदना है, अच्छे तरीके से हम गूंदेंगे, डो हमारी स्मूथ हो गई। ये देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए डो को रख देंगे एक पेपर शीट लगा के, और 1/2 घंटे के बाद मैं आपको इसका पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। इतने में हम चिकन टिक्के की तैयारी कर लेते हैं। पिज़्ज़ा हमने विदाउट ओवन के बनाना है। मैंने एक पतीले के अंदर नमक रखा है और उसके अंदर एक स्टैंड रख लिया है। इसको मैंने हल्के फ्लेम पे रखा है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा है, ताकि पतीला हमारा जो है हीट अप हो जाए, फिर हम इसमें पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये चिकन बोनलेस लिया है मैंने, और इसको मैंने चिकन को इस तरह के क्यूब्स बना लिया है, छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं। ये एक ब्रेस्ट ली है छोटी मुर्गी की, पूरी ब्रेस्ट है ये। और मैंने मोज़रेला चीज़ 1 कप लिया है, चेटर चीज़ भी 1 कप लिया है, और 1/2 टीस्पून नमक लिया है मैंने, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर लिया है मैंने, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून ऑयल लिया है, और 1 कोयला लिया है। और चिकन टिक्का हम बनाना शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन में हमने 1 टीस्पून मैंने ऑयल रखा था, वो मैंने शामिल कर दिया है। इसके अंदर अब चिकन शामिल करूंगी। बच्चे बड़े बहुत शौक से ही खाते हैं पिज़्ज़ा। आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी को बनाएं, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। चिकन को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे अच्छे तरीके के साथ। चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा
फिर मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। नमक शामिल कर दिया हाफ टी स्पून, मिक्स करेंगे। कोयला जो हमने रखा था, एक अदद कोयला था, तो वो हम चूल्हे पे रख देंगे ताकि वो भी हमारा गर्म हो जाए कोयला, फिर हम इसमें स्टीम देंगे इसको। ये देखिए ये हो गया हमारा चिकन, अभी चिकन गला नहीं है, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दिए और लहसुन पाउडर शामिल कर दिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, बस ये थोड़ा सा पानी शामिल किया है 2 टीस्पून के करीब पास। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। चिकन अच्छे तरीके से पक रहा है और बल्कि हाफ चिकन जो है ये पक भी गया। अब इसको अच्छे तरीके से खुश करेंगे और इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। चिकन हमारा तैयार हो गया, इसको मैंने चूल्हे पे गरम किया है और इसको मैंने चिकन टिक्के पे लगा दिया। हमने 1 कप पिज़्ज़ा सॉस भी लिया है, ये भी हम लगाएंगे। अब हम अपनी डो देखते हैं, उसकी तैयार हो गई है पिज़्ज़े की डो। ये देखिए हमारी डो कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, सॉफ्ट देखिए। इसको फिर अच्छे तरीके से मलेंगे। एक हमने ट्रे लिए, हम ब्रश के साथ इसको मैं ऑयल लगा लूँगी अच्छे तरीके से। ये मैंने ऑयल लगा लिए। हम इसके 2 टेढ़े कर लेंगे इस तरह। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। हम इसको हाथ की मदद के साथ इसको इस तरह करेंगे, एक जैसा बिल्कुल। एक फॉर्क लूंगी, फॉक से हम अच्छे तरीके से सॉस लगाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लग गई हमें, जितनी भी आप पसंद करते हैं लगा सकते हैं आप पिज़्ज़ा सॉस। मोज़रेला चीज़, अब हम इसमें चिकन डालेंगे जो चिकन टिक्का हमने बनाया है। जितना भी आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं। अब हम मसालेदार चीज डालेंगे, चेटर चीज भी डाल दी मैंने और मसालेदार चीज भी डाल दी। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। अब हम इसको बेक करेंगे।
जो एक पतीले के अंदर मैंने रखा था वो हीट अप हो गया है काफ़ी। इसको हम साइड पर करेंगे, हाथ बचाना है बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, इसको ढक देंगे। हमने 45 मिनट्स तक पकाना है, फिर इसके बाद हम पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाएगा। 45 मिनट्स हो गए और हमारा पिज़्ज़ा तैयार है, बिल्कुल रेडी है। गर्म है बहुत ज़्यादा, एहतियात के साथ मैं करूँगी। बिस्मिल्लाह, मज़ेदार किस्म का चीज़ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।